गाइस 70 के हुआ तो कोई सेलिब्रेशन तो हुई नहीं, बट मैं अपने आप को ये आइसक्रीम गिफ्ट कर रहा हूँ, तो चीयर्स। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और अब मेरा भी रूटीन अच्छा हो गया है और मिस्टर एडिटर का भी रूटीन अच्छा हो गया है। तो अब हम लोग टाइम पर उठ जा रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो तू कहाँ जा रहा है भाई? पोहा, समोसा, कचौड़ी सब खाना। तो इतनी ऑयली वाली चीज़ें क्यों खाता है तू? मोटा होना है। और तो गाइस आप देख सकते हो इसको मोटा होना है और इसलिए ये सब चीज़ें खाता है। मैं तो यार इतना नहीं खाऊँगा और अगर खाऊंगा भी तो ब्लॉग में किक मारो यार, पहले किक मारो। मेरे को कोई छोटी सी सस्ती सी कप वाली आती है ना, 5 रुपए की आती थी। गाइस 70 के हुआ तो कोई सेलिब्रेशन तो हुई नहीं, बट मैं अपने आप को ये आइसक्रीम गिफ्ट कर रहा हूँ, तो चीयर्स। तो गाइस मार्केट जो है वो ऑफ हो चुका है और सीन ऐसा है यार कि आज अपने स्टॉप लॉस जो है एक हिट हो गया और उसके बेसिस पे अपने को 8 दिन में पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ। ओके, काफ़ी अच्छा ट्रेड अपन कर रहे थे, 2 दिन था जो पॉज लिया। मार्केट वैसे काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड दिया है आज, बट क्या था ना, एज अ बायर्स उसमें पैसे बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। हो सकता है मेरी एनालिसिस कुछ गलत हो सकता है मेरी स्ट्रैटेजी उस तरीके से काम ना करती हो सकता है मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो इस टाइप के सेटअप में काम ना करती हो, बट कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यार अगर अपन मंथली रिपोर्ट देखें तो एट द एंड मेंबर्स भी प्रॉफिट में रहते हैं और अपन भी प्रॉफिट में रहते हैं। कल का ब्लॉग अगर आप लोग ने नहीं देखा है ना तो यार जा कर के देखो, उसका कोई पार्ट देखो या मत देखो, बट एक पार्ट ज़रूर देखना जिसमें मैंने सेपरेटली बताया है कि किस तरीके से आप लोग अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हो, कौन से 3 क्वेश्चन है जो आपको एज ए ट्रेडर अपने आप से पूछना ज़रूरी है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो चीज़ मैंने खुद लिख करके पहले अपने आप को आंसर की थी जब मैं ट्रेडिंग में, मुझे 1 साल हुआ था जब मैं काफ़ी लॉस में चल रहा था। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आप लोग को बेनिफिट मिलेगा जो मैंने उसमें बताया है। तो जा करके देखो, आई बटन पे आप लोग को दिख रहा होगा तो वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हो। और अभी का सीन ऐसा है कि 2 दिन पॉज गए, 3रा दिन स्टॉप लॉस गया और अभी मैं जा रहा हूँ अकेडमी के लिए और 3रा दिन जो मैं अकेडमी कंटिन्यू रखूँगा। अभी भी काफ़ी थकान है और ये सच बताऊँ तो यार थोड़ा सा आलसपन भी हो गया जो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी मैं जाऊंगा एकेडमी, वहाँ पे अपन वर्कआउट भी करेंगे। अभी मैं जाकर के सिर्फ खेल रहा था तो ये चीज़ कंटिन्यू मैं नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अपन वर्कआउट भी करें, तो वर्कआउट भी करेंगे, भले थकान हो, भले ही नींद आए, लेकिन अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अभी अपन जाएंगे एकेडमी, फिर वहाँ पर आज अपन वर्कआउट करेंगे, फिर मैं आप लोग को आगे का कोई काम अगर पड़ता है तो मैं आप लोग को बता अपन वर्कआउट करेंगे फिर मैं आप लोग को आगे का कोई काम अगर पड़ता है तो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो भाई अब मैं रेडी हो गया हूँ एकेडमी जाने के लिए और अपन यहाँ से जाएंगे एकेडमी। उसके बाद वहाँ पे आज थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्कआउट प्लान करना है, तो वर्कआउट करने के बाद फिर आगे आपको एकेडमी के सीन्स दिखाता हूँ। बच्चों को देखने जा रहे हैं हम लोग। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, तुम लोग बैठे क्यों बेटा? बैठ जा, कोई बात नहीं, बैठ जा, कोई बात नहीं बेटा। तुम सबसे फिट लग रहे हो, थके तो नहीं? तुम तो नहीं थके? क्या तुम थके हो? क्या थके हो? ये हाल होता है बच्चों का। आपको वैक्सीन नहीं लगी है क्या? लगी है आपको वैक्सीन? भाग बेटा, नहीं तो कोरोना पकड़ लेगा तुझे। भाग बेटा, फिर से भाग। कमान, चल, तेरे को भी वैक्सीन लगेगी बेटा, चल। कमान। रो
तुम कल क्या बेच रहे थे? मैं कल आपको फेदर बेच रहा था, बेच नहीं रहा था, फ्री में दे रहा था वैसे, आपने सही सही सुना नहीं। तो भाई इस तरीके के प्राणी हमें मिलते हैं मेरी एकेडमी में, कुछ और भी हैं, मैं उनका चेहरा दिखाना नहीं चाह रहा हूँ। आप भी आ सकते हैं मेरी मम्मी का डेंटल लेने के। डेंटल भी नहीं क्या गाइस? इससे दोस्ती बढ़ा के रखना कोई नहीं तो बहुत अच्छा लगेगा। इसकी मम्मी डॉक्टर है, इससे दोस्ती बढ़ा के रखना है। तो गाइस एकेडमी का हो गया है काम और डायरेक्टली सोऊंगा और अपन मॉर्निंग में एडिटिंग और बाकी के काम स्टार्ट करेंगे। मेरा एक अलग प्लान है जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ स्पेशली आप लोग के लिए, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एज ए ट्रेडिंग जर्नी आप लोग को। जो मेरे से गलती हुई थी उसके बेसिस में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो जल्दी आप लोग को सुनने को मिलेगा, बहुत बड़ा प्लान है मेरा।